पुरानी साहिबगंज कबूतर खोपी के रहने वाले लालजी यादव पदस्थापित नावा बाजार थाना प्रभारी निलंबन कर दिया गया था। पूर्व प्रभारी लालजी यादव द्वारा निलंबित के 4 दिन बाद थाना परिसर में संदिग्ध स्थिति में आत्महत्या करने की घटना पर गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हुए इसे अत्यंत दुखद बताते हुए आक्रोशित आम जनता ने जैसे ही साहिबगंज लालजी यादव के पार्थिव शरीर को देखते ही काटरगंज साक्षरता मोड़ साहिबगंज मुख्य मार्ग को टायर जलाकर जाम किया गया। वहीं मृतक के परिजनों ने सरकार से इसे पूरी घटना की सीबीआई जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कहा मुआवजा के साथ परिवार में सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं मुख्यमंत्री प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने कहा कि मृतक के परिजनों को सरकार द्वारा हर मांग को पूरा करने के लिए तत्पर है। समय को निकालते हुए परिजन मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांग को रखें, अवश्य सभी मांगों को पूरा किया जा सकता है। लड़का और सवांग हमारे बीच में नहीं रहा, इसकी पीड़ा हमको भी। हमारी बात अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से डीजीपी से हुई है। परिवार का जो भी मांग था सभी मांगों पर सहमति बन गई है। इसका जांच भी सीआईडी को चला गया है। सर थोड़ा नाम बता दीजिए, क्या क्या मांग थी? ये परिवार के लोग बताएंगे कि इनकी जो भी मांग था, आश्रितों को नौकरी, देखिए सबसे पहले की जांच सीबीआई जांच होगी केंद्र से नहीं। हमने सीआईडी जांच को हम लोग दे दी। हम लोग सीआईडी जांच से मनमान नहीं, कौन सी करवा नहीं, एक सीबीआई जांच नहीं। सीबीआई हमारे अधीनस्थ नहीं है, भारत सरकार की। भारत सरकार का पहले बात सुनते चलिए जो हमारी बात हुई। इसके बाद आश्रित के परिवार को नौकरी, उचित मुआवजा और ये कार्यक्रम के बाद इनका एक शिष्टमंडल, जो लड़के मरे हैं उनकी पत्नी, उनके पिताजी, उनके ससुर जी, जो भी शिष्टमंडल 5-6 आदमी हो तैयार, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मिल गया है। ये लोग मिलकर अपनी पूरी मांग को वहाँ पर जो भी है, जिस तरह के भी है, उस तरह की वार्तालाप ये लोग कर सकते, सभी बात हो गई। उससे सभी से अनुरोध है कि हम लोग दुखी परिवार आप लोग के साथ है। हम लोग को लाश पर राजनीति नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इनका अंतिम और सरकारी कार्यक्रम सरकारी विधि के अनुसार जो होने का है हम लोग इसको करें। तो सर हम राजनीतिक तो नहीं कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ अपने आप को कि मैं लाश पर राजनीति नहीं करता हूँ। मेरे घर का लड़का है, मेरे साथ भी कभी हो सकता है, मेरे परिवार के भी किसी भाई के साथ हो जाता है। हमें भी पीड़ा है, हमें भी दर्द है। जितना आपको दर्द है उससे ज्यादा हमको दर्द है। हम आप लोग के साथ है। परिवार के लोग अभी अंतिम संस्कार कर दें, शिष्टमंडल जब चाहे, कल चाहे, परसों चाहे, 10 दिन के बाद चाहे, माननीय मुख्यमंत्री जी से, डीजीपी से, गृह सचिव से एक शिष्टमंडल भेंट कराने के लिए हमने बोल दिया है और भेंट करा देंगे। अगर एमपी माननीय सांसद जी का निधि आने के बाद आप लोग जगह दीजिएगा, स्थान दीजिएगा, जमीन दीजिएगा, हम सही जिंदाबाद, पंकज बाबा जिंदाबाद। मैं उसका सारा जितना मांग मांगने जाओ से बाबा हमने बेसी के आप लोग खुशी आप 10 मिनट में बोले ले आगे ना मौत के लिए तो वो जांच के प्रक्रिया करवाया जा रहा है। कैसे घटना हुआ बाबा तैयार है? क्या लगता है आत्महत्या है? नहीं, हत्या करवाया गया है। हत्या हम लोग के शक है, तब ने इतना घेराव कर रहे हैं जो शक है हत्या के, हत्या किया गया है। आत्महत्या वो आदमी कर ही ले सकते हैं, कभी कोई विश्वास ही नहीं कर सकता है। वहाँ के जन के थे हम, वहाँ के जनता से आप देख समझ सकते हैं वहाँ के जनता क्या कर रहा है। आत्महत्या नहीं, हत्या करवाया गया है उनको। किस प्रकार की जांच चाहते हैं? हम लोग सीबीआई जांच चाहते हैं। अरे सही जांच ये तो वही था जो इनका जो घटना हुआ था उचित इनका मैंने जांच होना चाहिए और जो उनका सर्विस था उस सर्विस बच्ची को मिल जाना चाहिए। अभी जो हमारे विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी ने आश्वासन किया आपको, क्या आप उसे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। क्या करेंगे, वो जांच न करवा सकते हैं? वो गच्छे हैं जांच के लिए, कैसे घटना हुआ है और उनका सर्विस देने के लिए कही रहे हैं आम सभा के लोग के साथ। आप लोग कौन हुए मृतक के? हम उनका भगिना हुए। क्या नाम हुआ? संजीव भाई। संजीव बोला।